नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आरएससीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। और आज 31 जून को आरएससीईआरटी का पेपर होना है, तो उसके बारे में भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ये हमारा बीकेएन के गुरुजी के नाम से चैनल बनाया गया, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि नई नई वीडियो और हम बना सकें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार हैं। दोस्तों ये सभी हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रकार है। आपको पता है हैंड हेल्ड डिवाइस क्या काम आता है? जैसे मोबाइल के अंदर हम स्टिक के द्वारा काम कर सकते हैं, उसको हैंड हेल्ड डिवाइस कहते हैं। जैसे कई फ़ोन पहले आते थे जिसमें हम स्टिक से उसका यूज़ कर सकते थे, तो उसको हम हैंड हेल्ड डिवाइस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो दे रहेगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे तिरछा मापा जाता तो स्क्रीन का आकार 4 और 7 के बीच होता है। फैबलेट एक ऐसी डिवाइस है दोस्तों जिसको मेजरमेंट करते समय तिरछा नापा जाता है, और इसकी साइज रहती है आपकी 4 और 7 की रहती है, यह आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉइड का नवीनतम वर्जन है? दोस्तों PIE ये जो है वो एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन माना जाता है, और एंड्रॉइड जो होता है ये मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉइड को किसने बनाया? दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि एंड्रॉइड जो होता है वो गूगल कंपनी ने बनाया गया है, और दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी मानी जाती है गूगल, और यह एक सर्च इंजन भी कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी सहायता से अपने एंड्रॉइड मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं? दोस्तों आप सभी को पता होगा जितने मोबाइल और लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर हम प्ले स्टोर के अंदर जो भी चाहे वो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो प्ले स्टोर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम विंडो फोन OS का पूरा नाम? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इसका विंडो 10 लेटेस्ट माना जाता है। आज के दिन जितने भी मोबाइल्स या लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर लेटेस्ट इंस्टॉल किया जाता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो विंडो 10 ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल इनमें से किसको नहीं चलाता है? दोस्तों आईफोन को भी चलाता है, आईपैड को भी चलाता है, लेकिन एप्पल आई स्टोर को नहीं चलाता। आज तक ये आई स्टोर के नाम से कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPI का पूरा नाम? दोस्तों आप सभी को पता हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है दोस्तों, ये लेटेस्ट माना जाता है, और ज़्यादातर RSCIT के अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन ही आते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फुल फॉर्म एक या दो फुल फॉर्म इसके RSCIT एग्जाम में भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पेज लेआउट में ग्रुप होते हैं? दोस्तों थीम, सेटअप, पेज, बैकग्राउंड ये सभी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका दे रहेगा, और ये सारी पेज लेआउट के अंदर इंक्लूड होती है, तो आप सभी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, और जितनी भी डिवाइस आपके सामने आ रही है सारी इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प की मदद से रिसीवर दूसरे प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएगा? दोस्तों आप सभी को पता होगा BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसके द्वारा यूजर जो है वो सिर्फ अपनी डिटेल्स चेक कर सकता है, किसी दूसरे को हम कहीं पर भी मेल भेजते हैं 2 या 2 से अधिक, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी से दूसरा यूजर इसकी डिटेल नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सफलतापूर्वक ITR फाइल भरनी हो तो कौन सी फाइल डाउनलोड होती है? दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना हो, ITR 5 ये सफलतापूर्वक जो है ITI फाइल भरी जाती है, और इससे ये भी कोई भी फाइल सेव की जाती है ITI 5 से, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन का पूरा नाम? दोस्तों आपको सभी को पता होगा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, और ये पैन नंबर आजकल सभी बैंकों के अंदर अनिवार्य कर दिए गए हैं, और इससे यह देखा जाता है कि जितने भी आपके अकाउंट नंबर हैं उनमें कितने का रोज़ ट्रांजेक्शन होता है, जो ये गवर्नमेंट के निगरानी के अंदर इसमें इसका यूज़ किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए किस वेबसाइट पर जाएंगे? दोस्तों passportindia.gov.in ये पासपोर्ट के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर, और ये इन जो है दोस्तों ये डोमेस्टिक नेम है,
और इनका मतलब इंडिया होता है दोस्तों। ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट के पीछे ही IN जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लोकप्रिय जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड्रॉयड ही माना जाता है। आज के दिन सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के अंदर, वो एंड्रॉयड ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉगल की किसे कहते हैं। दोस्तों टॉगल की जो होती है वो कैप्स लॉक, कैप नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सारी ही टॉगल की के अंदर इंक्लूड की जाती है दोस्तों। और कैप्स लॉक से हम कैपिटल में वर्ड या स्मॉल लेटर में कर सकते हैं, नम लॉक में हम न्यूमेरिकल नंबर जो लॉक कर सकते हैं, स्क्रॉल लॉक में हम एक पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये तीनों काम इसी का होता है टॉगल की का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के प्रकार हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस। ये सारे जो प्रकार होते हैं ई कॉमर्स के होते हैं, और इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये आपको काफ़ी बार पूछा गया है, और इसमें हम इंटरनेट पर जो भी बिजनेस करते हैं वो ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के माध्यम से शिकायत निवारण सेवाएं उठाने के लिए मदद करती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा राजस्थान संपर्क। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी यूजर्स की जो या आम लोगों की जो समस्या होती है इसके बारे में राजस्थान संपर्क में आके हम इसकी शिकायतें डाल सकते हैं, और ये जल्दी जल्दी इसको शिकायतें गवर्नमेंट तक पहुंचाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। दोस्तों ये देखा जाता है कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी है, मेमोरी कितनी है, और आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर कितना है। हम नया खरीदते समय यह चेक कर सकते हैं। आजकल i5 और i7 लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर माना जाता है, और 1 TB या 2 TB इसके अंदर लेटेस्ट हार्ड डिस्क आती है, और जो रैम जो होती है वो 4G या 8G के 8 GB आजकल इसमें इंक्लूड की जा सकती है दोस्तों। तो हम जब भी कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये सब के बारे में देखते हैं, इसको हम कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel में डिफ़ॉल्ट कितनी सीट शामिल होती है। दोस्तों 5 सीट MS Excel के अंदर पहले से सेव होती है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर रहेगा आपका दे रहेगा दोस्तों। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 5 सीटें सेव की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में वर्कशीट जोड़ने का शॉर्टकट की। दोस्तों एक्सेल में वर्कशीट जोड़ने का जो शॉर्टकट की होती है वो शिफ्ट के साथ में F1 होता है। इससे हम एक्सेल के अंदर दो या दो से अधिक सीटें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में बैकस्टेज व्यू किस टच में टैब में देख सकते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर हम डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों। ये सभी आपको ध्यान रखना है एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। हॉटस्पॉट के लिए दोस्तों वाईफाई की रिक्वायरमेंट होती है। वाईफाई से हम एक स्थान से दूसरे दो से अधिक डिवाइस एक साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPS का पूरा नाम। GPS का पूरा नाम ग्राफिकल पेंट्रेशन सिस्टम होता है दोस्तों। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका सेबी है दोस्तों, और ज़्यादातर मोस्टली इसके अंदर बे भी इंक्लूड किए जाते हैं। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम्स ये सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई प्रणाली है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा E-PDS। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें भारत के खाद्य से संबंधित इंफॉर्मेशन या चेक की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंपनी का नाम, पेज नंबर आदि हर पेज पर दोहराया जाना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हेडर एंड फुटर। हेडर का काम क्या होता है दोस्तों, पेज के स्टार्टिंग के अंदर जैसे हम पेज के स्टार्टिंग में डेट डालते हैं और इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, और उसके लास्ट के बाद में हम उसके सिग्नेचर डालते हैं, पेज नंबर डालते हैं, तो ये सारे रिक्वायरमेंट हम हेडर एंड फुटर के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नीचे में आप वर्तमान स्लाइड के बारे में नोट लिख सकते हैं। दोस्तों ये नोट्स पेन के द्वारा हम ये लिख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है
वो सारे इसके अंदर इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंद करने के तरीके हैं। दोस्तों इसमें हम फाइल टैब में क्लिक करने पे क्लोज करने पे बंद हो सकती है, पावर पॉइंट से सिर्फ दाईं और ऊपर से छोर से क्रॉस बटन का क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, कंट्रोल डब्ल्यू से भी हम कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो द रहेगा। इन सभी से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? दोस्तों ये सारे ही इसमें फाइल फॉर्मेट में सेव किया जाता है, जेपीजी, जीआईएफ, डॉट डब्ल्यूएवी, ये सारे है फाइल के फॉर्मेट की एक्सटेंशन होती है दोस्तों, तो ये आपको सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल का पूरा नाम? एसक्यूएल का पूरा नाम था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है दोस्तों, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है और इसमें हम जितने भी कंपनी के जो डेटा होते हैं उन सबको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, और यह एक्सेल की तरह ही होता है जिसमें हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं और जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं और टेबल्स को अपडेट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर और इसका पूरा नाम होता है वो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है और डिजिटल सत्यापन करने की अनुमति देता है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, राज ई वॉलेट, इससे हम अपने दस्तावेज को सेव भी रख सकते हैं और इसमें हम एक स्थान से जहाँ पे हमारे को डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं वहाँ पे इस साइट के द्वारा हम डायरेक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं। दोस्तों इसमें इसमें पेपरलेस कार्य होता है दोस्तों, हमें कहीं पर भी हार्ड कॉपी देने की आवश्यकता नहीं होती है, वेबसाइट के थ्रू हम किसी भी जगह पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा सेव कर सकते हैं या डेटा भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने पोर्टल शुरू किया है जिसके माध्यम से राज्य के सभी नागरिक सही कीमत वस्तुएं आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों एक राजस्थान सरकार ने एक नए वेबसाइट ऑन की है जिसका है ई बाज़ार नाम है, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और हम आसानी से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम में पैसा जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों पेटीएम में पैसा, पेटीएम क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेमेंट कर सकते हैं और बिजली का बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, ये बैंकिंग के रूप में कार्य करता है दोस्तों, और इसमें पैसा डालने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो ये सारे जो काम है इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है पेटीएम के अंदर, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो दे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपे पेमेंट स्कीम किसने लॉन्च की? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा NPCI, इसके द्वारा रूपे जो है वो स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्डर जो कि अन्य फोल्डर में होते हैं उन्हें कहते हैं? दोस्तों उसको हम सब फोल्डर के नाम से जानते हैं जो एक फोल्डर दूसरे फोल्डर के अंदर सेव रहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 35 क्वेश्चंस के बारे में बताए, आप इसको ध्यान से देखें और ये वेरी इंपॉर्टेंट है RSCIT के अंदर, इनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है, आप इसको 2 या 3 बार देखें ताकि आप RSCIT में अच्छे नंबर ला सकों। और आजकल जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सब में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें बेसिक फंडामेंटल भी जोड़ा गया है और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके बारे में भी मैंने बताया इसमें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।